एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छप वेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा आप निकलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। इसे कहते हैं खौफ और डर। जो अपराधी अभी तक फंसते फिरते थे या फिर प्रशासन की वजह से मिल नहीं पाते थे, वो आज खुद सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के लिए जो कसम खाई थी वो पूरी होते हुए नजर आ रही है, फिर चाहे वो कोई राजनेता हो या फिर कोई गैंगस्टर। योगी सरकार और यूपी पुलिस ने अब सबकी कुंडली निकालनी शुरू कर दी है। राज्य से अपराध को कम करने के लिए यूपी पुलिस योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। विकास दुबे की गाड़ी क्या पलट गई, बाकी अपराधियों को भी डर सताने लगा। अभी हाल ही में जब एक अपराधी को जब पुलिस वाले गाड़ी में बिठाने लगे तो उस अपराधी ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं पैदल जाऊंगा, गाड़ी कभी भी पलट सकती है। यहां तक कि कुछ अपराधी तो तख्ती लटका कर भी अपने जुर्म को कबूलने लगे, कोई थाने ही जा पहुंचा। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं पुलिस की अगली गोली का निशाना उनका सीना तो नहीं। बीते कुछ महीनों में यूपी में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आई है। अपराधियों का ये डर इस बात का सबूत है कि प्रशासन अब सख्त हो चुका है। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बुधवार को ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां हत्या का आरोपी खुद सरेंडर करने पहुंचा। आरोपी ने बताया कि उसने 2 दिन पहले किसी की हत्या कर दी थी। अपने दुर्दांत कांड को करने के बाद वो थाने पहुंचा। आरोपी को इस बात का डर था कि कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, एनकाउंटर के डर से उसने सरेंडर कर दिया। चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस गाड़ी से वो सरेंडर करने पहुंचा उस पर बीजेपी सांसद प्रतिनिधि लिखा हुआ था। गाड़ी से उतरने के बाद पिस्तौल निकालकर दरोगा को थमा दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि किस बीजेपी सांसद प्रतिनिधि की ये गाड़ी थी, कहीं बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं की गई, या फिर किसी बीजेपी सांसद प्रतिनिधि की हत्या करके गाड़ी तो नहीं लूट ली गई। इस आरोपी से जब ये सवाल पूछा गया तो वो भी टाल मटोल करने लगा। मैं एनकाउंटर के डर से आज ही। अच्छा, हाँ। तुमने क्या अपराध किया है? मैं कत्ल कर रखा। किसका कत्ल किया है आपने? फोर्ड का। अच्छा, ये फोर्ड की हत्या कब हुई थी? फोर्ड की हत्या कल परसों शाम के टाइम हुई। क्यों की थी आपने हत्या? मैंने हत्या ये की थी, मेरे 3 माह के हो गए थे, वे गड्डी में भी खेच रहे थे मजे। समय पहले तो मेरे थप्पड़ मार के भी मासी मार्केट में नहीं चुराए पे। दरअसल 2 दिन पहले यानी सोमवार को बावली गांव में शिवम नामक युवक को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ बड़ौद थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बिजली की रफ्तार से काम करते पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। एक भाग निकला, मुख्य आरोपी ही फरार था। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी, बस इसी बात का डर मोनित को सताने लगा और डर के कारण उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि गाड़ी भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के प्रतिनिधि की थी। बुधवार को आरोपी ने यह कहकर सरेंडर कर दिया कि उसने शिवम की हत्या की थी। इसके बाद हत्या आरोपी ने पुलिस को तमंचा भी गाड़ी से बरामद करवा दिया। इन सब ड्रामे में आरोपी के पिता व अन्य लोग भी पहुंचे थे। सीओ आलोक सिंह ने बताया कि आरोपी ने एनकाउंटर के भाई से कोतवाली में सरेंडर किया है। दिनांक 9/11 को बावली गाँव में थाना बड़ौद क्षेत्र में एक शिवम उर्फ फोर्ड जो बावली का रहने वाला था उसकी हत्या हुई थी। उसका नामित अभियुक्त मोनित सनो प्रमोद आज अपने परिजनों के संग थाना प्रांगण में आज उसने आत्मसमर्पण किया है और उसने इस भय से आत्मसमर्पण किया है कि कहीं पुलिस उसको एनकाउंटर में मार न गिराए और उसने अपनी निशानदेही से अपने साथ लाई हुई गाड़ी में जिस गाड़ी से वो आया था उसमें रखा हुआ तमंचा भी बरामद कराया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब खुद ही देख लीजिए, कोई पैदल चल रहा है तो कोई खुद ही गाड़ी लेकर पहुंच जा रहा है। वजह चाहे कुछ भी हो, पर जिस तरह से योगी सरकार और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, भूमाफिया और अपराधियों के गले सूखने लगे हैं। जिस तरह भूमाफिया पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उन्हें भी अब डर सताने लगा है। इतना ही नहीं, योगी ने तो साफ कह दिया है कि तोड़फोड़ का खर्चा भी सरकार उन्हीं से निकलवाएगी। यानी कि दूध तो फटा ही फटा, गैस बर्बाद हुई सो अलग। सबका हिसाब योगी जी लेकर बैठे हैं और एक एक पाई का हिसाब वो लेकर मानेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ।